अस्सलाम वालेकुम। आज का वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ मैं, ईशा तरावे सब पढ़ने के बाद अभी स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि आज कुछ खास है मेरे लिए। हाँ, मेरे लिए ज़्यादा बोल सकती हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंतज़ार रहता है एक्चुअली में इस दिन का, और मैं बहुत खुशी से सब कुछ करती हूँ, और क्या बोलूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज स्पेशल वीडियो बना रही हूँ मैं, जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे मतलब इस तरह का वीडियो जाने वाला है। ये वीडियो देखने के बाद दुआ दीजिए ढेर सारी दानिश के लिए, हमारे लिए, और बस जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। सच में बहुत अच्छा दिन है और कल भी काम है, तो आज का वीडियो मैं अलग बनाऊंगी, ये पार्ट वन बनाऊंगी और पार्ट टू भी बनाऊंगी, दो वीडियो में बनाने वाली हूँ। तो आज का वीडियो में आज तो चार है, चार में तो ये मैं पांच में को अपलोड कर दूंगी, और पांच में का वीडियो मैं छः या सात को अपलोड करूँगी, तो ऐसे में दो वीडियो बनाने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो ना? अल्लाह से दुआ है सब अच्छे ही रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ है सब अच्छे रहेंगे, माशाल्लाह रहेंगे, खाते पीते रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, आमीन। चलो अब क्या आगे? तो देखो आज मैंने दानिश को कितना अच्छा बना दिया है, शेविंग भी किया, माशाल्लाह स्पेशल है उनके लिए, स्पेशल दिन है इसके लिए मैंने उनको इतना अच्छा कर दिया है। देखो कितने माशाल्लाह, कितने लाड, ऐसे भी मेरे लाड तो चालू ही होते, जरा कुछ अलग है जला। आज के दिन उनके लाड बहुत अलग हटके रहते हैं, लेकिन मैं उनको हमेशा लाड करती हूँ हमेशा। और मैं ना आज बोलने के लिए थोड़ा सा इमोशनल हो रही हूँ, लेकिन हाँ मैं चाहूंगी कि प्लीज मेरे शोहर के लिए खूब 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 बहुत सारी दुआ कीजिए, बहुत सारी दुआ करो, दुआ के सिवा कुछ नहीं चाहिए। तो खूब सारी दुआ करो और वीडियो देखो, और हो सके तो शेयर भी करो आज के दिन के लिए। सच में मतलब मुझे ना समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं, सच में नहीं समझ में आ रहा है। तो मैंने मेरे शोहर के लिए कुछ खास किया है जो मैं आगे बताती हूँ, अभी नहीं बताऊंगी। हाँ एक चीज है जो बता सकती हूँ, मेरी तरफ से उनके लिए ये ढेर सारी चॉकलेट है, ये देखो मैं दिखाती हूँ। तो मेरी तरफ से उनके लिए ये ढेर सारे चॉकलेट है। इसके अलावा भी एक चीज़ है जो मैं अभी नहीं बताऊंगी, लेकिन मुझे लगता है बच्चे ने शुरुआत कर दी है। आज वैसे हमारा दिन इतना बिजी जा चुका है ना कि क्या बोलूं, बहुत बिजी गया है, मार्केट भी जाना पड़ा, मैं आज भी मार्केट गई, बहुत काम था आज, क्या करें कभी कभी हो जाता है। वो मेरा तो ऐसा ही है ना अपना, हमारा क्या है? इसका रोजगार है। रोजगार नहीं, लेकिन मैं एक चीज स्पेशल बताऊंगी कि हमारे लिए जो कुछ स्पेशल दिन रहता है ना, कि नहीं आज हाँ ये है क्या वो मतलब ऐसा स्पेशल दिन, तो उस दिन क्या होता है ना, इतना सारा काम रहता है ना कि इंसान थक जाता है, तो इसलिए मैंने इस बार सोचा कि मैं सब काम पहले ही वो दिन स्पेशल ही रखना है जिसमें काम नहीं करना है, थकना नहीं है, और बहुत सारे दानिश के लाड़ करने हैं। वैसे आज भी मैंने उनके लिए शायरी के लिए कुछ स्पेशल बनाया है जो उनको पसंद है, वैसे वो इससे पहले उनको पसंद नहीं था, अभी ना तीन चार साल से उनको पसंद आ रहा है ना वो। हाँ तो वो मैं बताती हूँ कि मैंने शायरी के लिए क्या बनाया है, बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन, बहुत अच्छा, लेकिन सच में आज ना मतलब बात क्या करूँ ना, सच में समझ नहीं आ रहा है। तो दानिश का मोबाइल ही बज चुका है, बज गए क्या? बज गए, हैप्पी बर्थडे दानिश। तो आज मेरे शोहर का बर्थडे है, खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, माशाल्लाह रहो, अल्लाह तुमको खूब सारी लंबी उम्र दे और अच्छी सेहत, आमीन आमीन। मुझे ये दो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है मेरे लिए, इसके लिए आमीन सुमा आमीन। प्लीज दुआ करो दानिश के लिए, आज दानिश का बर्थडे है। दानिश को फोन बज रहा है, पहले वो देती हूँ। नदीम नदीम नदीम, अह
अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। ये केक हार्ट शेप वाला और ये मैंने बनाया है, पिछले साल भी मैंने ही बना था। मैं बातें बाद में करती हूँ, अभी 12 बज चुके हैं तो मैं अभी ये उनके लिए केक काटूंगी। चलो आ जाओ, चलो काट। केक बहुत भारी बना है, बहुत ताजा, गरम गरम। गरम भी है क्योंकि मैंने अभी बनाया है। एकदम गरम है, एकदम ताजा है। कैसा लग रहा है वैसे तुम्हारे लिए इतना सब किया? बहुत अच्छा, अच्छा लगा ना? तेरा तो मुझका था चालू काम, मेरे लिए ये कर, मेरे लिए वो कर। कुछ खास दिन रहना जबत करती ऐसा थोड़ी कुछ है। 24 कलाक मेरा ड्यूटी, मेरी ड्यूटी 24 कलाक। अल्लाह तेरे को खूब खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, आया दिन बरकत दे, अब खूब मारा मार कर दे। चलो अपने अपने को अपने बोले अपने तो मैं हमें ना स्पेशल कुछ बात करना चाहूंगी। पिछले साल भी दानिश का बर्थडे था, लॉकडाउन था और रोजे थे। ये साल भी उनका बर्थडे आया, लॉकडाउन था और रोजे। हम ना बर्थडे के लिए मतलब ना हमेशा बाहर जाते हैं, हमेशा। इस बार के लिए हमने कुछ सोचा था, मतलब रमजान में तो नहीं करने वाले थे, रमजान की बात का रखा था, लेकिन सोचा था कुछ करने का, लेकिन लगता नहीं अभी वो जल्दी होने वाला है क्योंकि ऐसे मतलब जो चल रहा है उसमें ये सब करना सही नहीं है। तो पिछले साल हमने क्या किया था ना कि लॉकडाउन था लेकिन बाहर जाने का था, कुछ मन था, तो उसके लिए हम एक दरगाह पर चले गए थे और वहाँ भी मैंने खुद केक बनाया था। और इफ्तारी के लिए ही हम दरगाह पर पहुँच गए थे, हमने इफ्तारी का सब कुछ बना लिया था और हमारे साथ और एक कोई था जो जॉइन था, और एक कोई था जो हमारे साथ जॉइन था, तो हम 3 जन थे। और दरगाह पे हमने इफ्तारी वगैरह की, तरावी की नमाज, ईशा की नमाज वो सब पढ़ी, दानिश का वहाँ केक वगैरह हमने काटा, वो सब किया और अच्छा लगा। और ये साल भी वही है, तो ये साल हम बाहर नहीं जा पाए क्योंकि नहीं पॉसिबल, मतलब हमें अच्छा नहीं लगा। मतलब वही हम जगह जा सकते थे जहाँ हम पिछले साल गए थे, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगा। हमने सोचा कि नहीं, ये साल ज़रा ज़्यादा ही है, तो बोली चलो अपन घर पे ही कर लेंगे, तो इसके लिए मैंने ये सब कर लिया है। और दानिश को ये चॉकलेट इसके लिए स्पेशली कि दानिश को चॉकलेट बहुत पसंद है और दानिश को रोज़ लगते हैं कैडबरी, तो रोज़ लगती है और स्नीकर, ये तो दानिश को रोज़ लगता है। तो इसके लिए मैंने उनके लिए ये सब किया। और कल का वीडियो रहेगा जो मैं जैसे कि मैं बोल चुकी हूँ कि मैं दूसरे पार्ट में बनाऊंगी, वो एक अलग रहेगा। और ये रात का जो ऐसा 12 बजे का सेलिब्रेशन है, ये अलग वीडियो रहेगा। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रही है। लॉकडाउन में भी मतलब एक्चुअली मज़ा आनी ही चाहिए, खुश रहना ही चाहिए, तो मतलब क्या भी जिंदगी का है ना, बिल्कुल बिल्कुल, फिर खुश रहना ही चाहिए। बहुत मजा आई है, बहुत अल्लाह, और छोटी छोटी चीजों में खुशियां मनाओ तो बहुत ज्यादा मजा आता है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने अपने को, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह पाक ने इतना भी अपने को खुशी दी है, तंदुरुस्ती दी है, और इतना भी बहुत सारा, बहुत काफी हो गया। इंशाल्लाह और देगा वो, इंशाल्लाह उसको ना ऐसा खुला करके तो इसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है। अभी एक मेरे पास और एक सरप्राइज ही है जो मैं अभी बताती हूँ। कुछ चुप क्या वो खुला करके ना, अपने छोटी सी प्लेट दे, प्लेट दे ना, नहीं चुप दे, नीचे तो ना उसको खाएगा ना, कुछ चुप क्या है, प्लेट दे दे, छोटी ऊपर आ जा, ऊपर जा, ऊपर जा, मेरे पापा लोग छाले ऊपर चाहिए मुझे। एक चीज मैं और बताना चाहती हूँ, दादू जी बोलो।
अच्छा अच्छा ये देख, मैं भूल गया, मैं इसको लाया तो भी नहीं आता है। इसका भी बर्थडे आज, इसका भी बर्थडे है क्योंकि आज ही के दिन 5 मई को पिछले साल इसको हमने लिया था। इसका भी बर्थडे है, ये भी 1 साल का हो गया है। छोनी आना, आना पापा, आजा आजा छोना, आना आजा आजा। माशाल्लाह, 1 साल का हो गया ना बच्चा, फिर 1 साल का हो गया। आजा आजा ना छोनी, ये देखना नले कुचली मेली, ये देखो ये देखो ये देखो, अच्छा ये खाएगा, तो इसको 1 साल हो गया 5 मई को हमारे पास। माशाल्लाह उसने तो आके मतलब इतना मतलब अच्छा लगता है ना हमें ये जब से आए हैं बच्चे लोग कि दिन भर मतलब दिन भर क्या दिन तो कम हो गया दानू है ना 24 कलाक तो उसमें रहते हो जरा दानिया दिखी ने दानिया चिल्लाने को उनको मैं हमेशा दिखनी चाहिए और कितने भी नींद में रहे अगर मैं वहाँ नहीं हूँ मैं वहाँ से उठ चुकी हूँ जा चुकी हूँ तो तुरंत मेरे को ढूंढते हुए आ जाते हैं कि मैं कहाँ हूँ करके। छोटी आजा आ पापा, तो इसके लिए ये बात थी कि आज के दिन मैं इसको लिया था तो आज के दिन बर्थडे मनाने के हिसाब से 2 लोग हो गए हमारे यहाँ, एक तो दानिश और एक ये तो माशाल्लाह अल्लाह का करम है और हम हमारी लाइफ में बहुत खुश है एक दूसरे के साथ है ना। बस दुआ करो हमारे लिए, यही एक कहूँगी। बाकी हम बता के आगे थोड़ा सा हम एंजॉय कर ले। मैंने मैंगो जूस एक्स्ट्रा बनाया है क्योंकि रात में जाग रहा है ना आज। चम्मच दो, हाँ चम्मच दो, गलत नहीं है। मैंने 2 ग्लास पहले पी चुका हूँ। मैं भी गुजरात मत कर जाने, मैंने देखा तुम्हें क्या किया। बिल इधर तेरे से कब जाने, आम का जूस भी उसको अच्छा लग रहा है। उंगली पे तो सब खाएगा। हाँ उंगली पे उसको कुछ भी दो सब खाएगा। तो ये दानिश के लिए बनाया मैंने, आज सहरी के लिए पाए। देखो अभी रूम में आए हैं तो बच्चों लोग का कुछ ना कुछ चल रहा है, मुझे बेडशीट चेंज करना है, क्या करूं? और आज मैं डाल रही हूँ नई बेडशीट जो मैंने दानू के बर्थडे के लिए स्पेशल खरीदी थी। नहीं दिखता है, वही खड़ी है, खड़ी ना मैं दिखता हूँ, कुछ भी तो नहीं दिखता, दिन में दिखता है, दिन में। ये है बेडशीट, उल्टी पकड़ी है, हाँ उल्टी पकड़ी, ये है बेडशीट जो मैंने दानिश के बर्थडे के लिए स्पेशल बिछाने के लिए खरीदी है। कवर दे दो,
इसके बोला बोला ना सदु ने पकड़ा था आपको। चोनी क्या कर रहा है वहाँ? मशीन लगी ना दानू? जाड़जुड़ है। जाड़जुड़ एकदम। जाड़ी मस्त है। बिस्तरा बनाने को देखो मजा आएगी। पहले बिछाओ फिर देखो कौन सी साइड कैसी लगेगी। ऐसे ही साइज है इसकी, ये साइड बाजू में आएगी। बड़ी कितनी देखो। इतनी बड़ी है कि अपने पेट से भी बड़ी है। इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए थी ना। अच्छा है ना उल्टा। नहीं ना ये डिजाइन बाकी का जो जा रही ना वो अच्छी नहीं लग रही। नहीं नहीं ये बाजू खींचना नहीं जाएंगी। ये मुझे नहीं कि गए डिजाइन गए। ये वो डिजाइन गई बहुत ज्यादा बड़ी है। इतनी बड़ी है चादर कि क्या बोलूं उसकी डिजाइन ही जा रही है। चलो चलो चलो, चलो। क्या करोगे इसको कैसे बिछाऊं मैं? वैसे ये माप ले साइड से बराबर मैं वो साइड भी डाल लो। ये डिजाइन ही यार मेरे को अच्छी नहीं लग रही। ये हाथ तेरे से नहीं होता ना तो मैं आता हूं। करो चल बेटी बेटा तू वो दे। अच्छा थोड़ी ऐसी खींच कि ये डिजाइन आनी चाहिए थी दानू। पूछा क्या कर रहा है तू अंदर चोरी? दादा बाबू साहब अंदर अंदर हो सब करती करती ठीक है। लेटो आगे लेके वो साहब पहले कर पहले तू करो। बहुत बड़ी जाके बहुत बड़ी इसके तो क्या क्योंकि कवर भी और सब बनेगा और साइड से आराम से तो लोगों का टिप नहीं नहीं इन कितने में कितने देखनी चाहिए। आ अच्छा ज़्यादा लोग अभी दूर गया ये ऐसी की तो हवा भी नहीं आ रही। हाँ तो लगे जाएगी नहीं तो वो सब जा रहे हो करना पड़ेगा तो इसको कुछ मतलब नहीं है मेरे को 10 मिनट भी लगेगी क्या आया ना एक ठंडे का भी ये हो गया ना सब राजा सब नहीं हुआ है। अभी इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। छोटी हम थोड़ा अभी अपना टाइम बिताएंगे है ना। हाँ। तो अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।